हेलो फ्रेंड्स, मैं ससी मिश्रा, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खास रेसिपी लेकर आई हूँ जो है मटका स्पेशल चाय। बहुत ही खास चाय है। चाय तो बहुत तरह की होती है, आपने सबने पी भी होगी, लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चाय है और इसे हम देसी तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं स्पेशल मटका चाय। ये मैंने इसको लिया है, दूध, चीनी, चाय पत्ती और छोटी इलायची पाउडर है, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी जो खास है वो मैं लास्ट में डालूंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी तो पता चलेगा आपको कि मैंने इसमें क्या डाला है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये चाय खास बन गई है, स्पेशल बन गई है और टेस्टी बनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे, जिसमें हमें इस चाय को बनानी है, ये है मटका। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाना कुछ बात अलग ही होता है, बहुत ही सुंदर सुंदर खाने का टेस्ट आता है। तो चलिए हम चाय बनाना शुरू करते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मटके को इस गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और डालेंगे इसमें दूध। ये फुल फैट दूध है और इसे हमें दूध को बिल्कुल लो गैस पर, हमें लो फ्लेम पर चलाते रहना है। इसे हमें काढ़ना है यानी इसे गाढ़ा करना है, उसके बाद हम बनाएंगे चाय। इसमें डालेंगे जो भी चीज़ डालनी है वो डालेंगे, पहले इसे हमें एक उबाल आने तक इसे उबालना है। तो दूध में उबाल आ गया, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। और अगर चाय दो जन के लिए बना रहे हैं, दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो 3 कप दूध रखें और हमें उबाल उबाल कर 2 कप बनाना है। अगर आपको पता नहीं चले कि हमें 2 कप चाय के लिए दूध कैसे पता चलेगा, तो आप उसे फिर गैस ऑफ करके फिर उसे नाप सकते हैं गाढ़ा होने के बाद, आपका जब 2 कप बन गया, क्योंकि जो दूध गाढ़ा करके ये चाय बनाएंगे तभी जाकर ये चाय टेस्टी बनेगी, नहीं तो ऐसे तो जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं वैसे ही ये चाय बनेगी, बस दूध उबाला, उसमें चाय पत्ती चीनी डाल के चाय बना ली। लेकिन हमें इस दूध को बिल्कुल गाढ़ा करना है, 3 कप दूध गाढ़ा करके हमें 2 कप करके उसके बाद इसको बनाना है। तो देखिए ये उफान आने लगा, क्योंकि मेरे पास ये छोटी सी मटकी थी यानी कि छोटा सा मटका था, इसी में मैं बना रही हूँ। अगर 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बड़े बर्तन में बनाएं, और 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये मटका सही है। और ये ऐसा पलटा ले लें और इसे हमें ऐसे ऊपर तक उठाते हुए दूध को ले जाना है ताकि इसमें झाग बने और ये चाय बहुत ही अच्छी बने। तो ये देखिए ऐसे चलाते रहना है, जैसे ऊपर झाग आए बस इसे चला दें तो फिर ये दूध अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही हमें इसे गाढ़ा करना है। लो फ्लेम पर हमारा दूध कैसे गाढ़ा हो रहा है और झाग भी देखिए कैसे झाग बन रहा है इसमें। और इसे जैसे ही झाग बने और उफान कर ऊपर आए तो इस पलटे से आप ऐसे करेंगे तो ये दूध नीचे चला जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो गैस का फ्लेम अगर हाई हो या मीडियम हो तो दूध, क्योंकि बर्तन छोटा है, मटका छोटा है, तो ये दूध बाहर गिरने का भी डर है, तो इसलिए इसे चलाते रहें और गैस का फ्लेम ध्यान रखें, लो ही रखें। देखिए मटके से दूध की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल सुंदर सुंदर सा महक रहा है, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है तो इसमें से सुंदी सुंदी खुशबू आ रही है। तो इसे हमें ऐसे ही चलाते रहना है और गाढ़ा करना है। ये देखिए दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल 2 कप के बराबर हो गया है। इसे थोड़ा उफन रहा है तो थोड़ा हटा देंगे, जब ये नीचे चला जाए उसके बाद फिर इसे रख देंगे। आप डाल देंगे चीनी और चाय पत्ती, आप कितना ज़्यादा कड़क पीते हैं उसके हिसाब से डालें, और चीनी भी अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसे हमें फिर उबालना है ताकि अच्छे से कलर आ जाए चाय पत्ती डालने के बाद, और इसे चलाते रहेंगे। देखिए कितना झाग झाग सा बन गया है, तो ये चाय पीने में बहुत ही टेस्टी होगी। अब इलायची का पाउडर डाल देंगे, तो मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था उसको हम डालेंगे, इससे जो चाय है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाली है। पता नहीं आपको पता होगा, आपने भी पी होगी, लेकिन जो मैं वीडियो बना करके आपको दिखा रही हूँ इसे भी बना कर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये है कॉफ़ी पाउडर और इसमें इसे डाल दीजिए और अच्छे से इसे चला दीजिए, और उसके बाद हम 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर और पका लेंगे, उसके बाद चाय सर्व करेंगे। तो ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और पीने में तो चाय अच्छी लगेगी ही। ये मटके में बना रहे हैं तो उसका भी, इसका मटके वाला जो मिट्टी का स्वाद है वो भी, और ये कॉफ़ी का, दोनों स्वाद मिक्स होकर ये हमारी जो चाय है स्पेशल बन गई। तो थोड़ा सा गैस का फ्लेम मीडियम पर कर देंगे ताकि ये अच्छे से उबाल आ जाए। एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे, उसके बाद सर्व कर लेंगे। ये देखिए एक उबाल आने के बाद अब गैस बंद कर देंगे तो हमारी चाय रेडी हो गई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़ आता है, इसी में इस चाय को हम पियेंगे, क्योंकि मिट्टी
के मटके में मैंने चाय बनाई है। तो ये चाय हम चीनी मिट्टी वाली जो कप होती है ना, ऐसी वाली, कई तरह की आती है। आप ये देखिए, कूलर के कलर का भी है, तो आपके पास अगर कूलर मिट्टी वाला नहीं है तो आप इसमें भी सर्व कर सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन जो स्वाद मिट्टी वाले कूलर में आएगा वो स्वाद उसमें नहीं आएगा। तो मेरे पास दो कूलर हैं, मैं इसी में इसे सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, स्पेशल मटके वाली चाय रेडी है, आप भी पी लीजिए। बहुत ही टेस्टी चाय बनी है, तो लग रही है ना स्पेशल मटके वाली चाय, झाग वाली चाय। तो चलिए, आज की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।